Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण चल रहा है और सरकार का दावा है कि 2021 में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण फाइनल कर दिया जाएगा। और मुंबई नागपुर की जो दूरी है वो 700 किलोमीटर की है और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद कुल आपको जो ट्रेवलिंग है वो 8 घंटे की रह जाएगी। वैसे तो इस वक्त बहुत समय लगता है अगर मुंबई से नागपुर का अगर आप सफ़र करते हो, इस एक्सप्रेसवे के बाद 8 घंटे का सफ़र होगा। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बीच में पड़ने वाले जिले कल्याण, अभिषेक रोड, मनाद, औरंगाबाद, जलाना, परभानी, पुराना नंद, मुखुद, सवरग्राम, मजूरी, आदिलाबाद, ये वो ज़िले हैं जो इस एक्सप्रेसवे के निकट है और इस ज़िलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने भी दावा किया है कि इसको 2021 सितंबर के माह में फाइनल कर और इस एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्री एरिया का भी लगाने की परियोजना बनाई जा रही है और बहुत ही जल्द उसका अभी सर्वे भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है उसके अंदर काफ़ी टनल बनाए जा रहे हैं जिसका भी निर्माण चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस टनल के 6 सुरंगों का निर्माण चल रहा है और 55,000 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया जाएगा और 150 किलो प्रति घंटा की सिर गति के लिए ये डिजाइन किया गया है, जो कि 700 किलोमीटर का जो सफ़र है, आप 150 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से आप इस पर अपनी गाड़ी चला सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इस वक्त चल रहा है और 2021 के लास्ट तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण ख़त्म कर दिया जाएगा।